जो आज का जो प्रोग्राम था उसका उद्देश्य था कि हमारे समाज में जो बच्चे 90% 92% लाते हैं उनको प्रोत्साहित करना, ताकि कल को हमें ये ना सुनने को आए कि हमारे बच्चे सिर्फ रिजर्वेशन के आधार पर नौकरियां पा लेते हैं। हमारे बच्चे आज हमारे यहाँ एक बच्चा आया जिसको 99% मार्क्स मिले, ठीक है, जबकि आप देखते हो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिसमें बताया जाता है कि हमारे बच्चे सिर्फ कम नंबर लाके रिजर्वेशन के आधार पर नौकरियां पाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या ये पहला प्रोग्राम था, पहली दफ़ा ये प्रोग्राम हुई थी? दूसरी दफ़ा ये प्रोग्राम हुआ है। और कितनी जगह से बच्चे यहाँ पर आए? दिल्ली NCR पूरे से थे, गाजियाबाद से भी थे, गाजियाबाद, मेरठ, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगह से हमारे यहाँ बच्चे आए। और सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से ही हमने इस कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से पूरी दिल्ली में प्रचार प्रसार किया एक महीने तक। उसके बाद हमें करीब करीब 130 बच्चों का रिस्पांस हमें व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मिला। सर, क्या ये SC और ST या OBC माइनॉरिटी और जनरल कास्ट के लिए है या कुछ विशेष कास्ट के लिए था? नहीं, सब दलित समाज के बच्चों के लिए, बहुजन समाज के बच्चों के लिए ये हमने आह्वान किया था कि जिस तरह से दूसरे समाज के लोग अपने बच्चों के सम्मान करते हैं, तो हमने भी 2018 से ये ऐसी शुरुआत की कि क्यों ना हम भी अपने बच्चों का सम्मान करें, क्योंकि जब अपने बच्चों का सम्मान करेंगे तो वो प्रोत्साहित करेंगे, तो उन बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ेगा, समाज के अंदर एक मैसेज जाएगा। उसी मैसेज को देखते हुए हमने ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था। द्वितीय बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी सन 1977 से शोभा यात्रा का आयोजन करती आ रही है, उसके साथ साथ खेलकूद, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करती आ रही है। ये दूसरा कार्यक्रम था हमारा ये इस संस्था के माध्यम से। क्या क्या क्राइटेरिया था इसमें जो बच्चों का आपने सिलेक्शन किया था? क्या क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया नंबर्स का था कि 70% से ऊपर जो बच्चे आएंगे, 70 से अंडर तक जो है, उन बच्चों को सम्मान करने के लिए हमने वो अपना फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। इस मुल्क में 85% जहां हमारी जितनी आबादी है उतने ही बच्चों की भागीदारी इस मुल्क को बनाने में सक्षम होना, फिर 1% को आपने मात्र सम्मानित किया, उससे भी कम, बाकी बिहार, उत्तराखंड की तमाम जगह। हमारे पास जो प्रविष्टियां आई थी जी वो हजारों की संख्या में थी, लेकिन वो लोग यहां आने में असमर्थ थे, किसी न किसी कारण से उन्होंने आने में मतलब असमर्थता दिखाई, इसलिए उतनी भीड़ नहीं आ पाई। उतने लोग जिन लोगों ने आसानी से आने में हाँ करी वही लोग आ पाए। कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी हमने बकायदा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी जिन बच्चों के हमारे पास व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हाथ रहे, उनसे हमारे अपने सभी जो हमारी कमेटी के जो सभी पदाधिकारी हैं सभी कॉन्टैक्ट करने की उन्होंने सबसे कोशिश की। कुछ मौसम को देखते हुए, कुछ बरसात के मौसम को देखते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारे आज प्रोग्राम में नहीं शामिल हुए, हम कोशिश ये करेंगे कि उन बच्चों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनको बुला करके उनका वो सम्मान जो आज करना था वो उनको सम्मान उनको बकायदा दिया जाएगा। अभियंशक का OPKMG से मेरा एक सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्म उत्सव कमेटी जो है, इसका उद्देश्य क्या है और करती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं जरा। बाबा साहब जन्म उत्सव कमेटी का मैनिफेस्टो है, थोड़ा जोर से मैनिफेस्टो है, उनका बहुजन समाज का उत्थान प्रगति इस तरीके से हो और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समाज में किस तरीके से प्रचार प्रसार हो, और हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर जन्म उत्सव कमेटी उसको पूरे सत्र से प्रचार प्रसार कर रही है। आज का जो कार्यक्रम था बाबा साहब अम्बेडकर कमेटी के तत्वावधान में हुआ है, इसका कारण क्या था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी सम्मान हुआ। केलुस्कर जो थे, एक उनके टीचर थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जब 10वीं पास करी तो उनका सम्मान किया, तो उसी से प्रेरणा लेकर के हमने सोचा कि भाई हम भी अपने 10वीं से 12वीं के बच्चे छात्र हैं और उनको उत्साह किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, जिससे कि हम उन लोगों को शक्ति मिले और वो आगे और ताकत से पढ़ सकें, जिस सके उन्नति कर सकें। कितने साल तक के लिए आपका ये प्रोग्राम रहेगा? अभी कम से कम 5 साल तो हम इस पर रखेंगे जी, 5 साल कंटिन्यूस रखेंगे ताकि और लोगों को हो और सहयोग मिला तो उसको आगे भी रख सकते हैं। नहीं, दरअसल में क्या है कि जिस तरह से जो भी संस्था के अंदर जैसे भी संस्था का 2 साल का गठन होता है, कोशिश यही रहेगी कि इसके शुरुआत 2018 में कर दी गई है, कोशिश यही रहेगी कि संस्था हमेशा किसी न किसी माध्यम के रूप में बच्चों का मान सम्मान बढ़ाती रहे, करती रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। ये नहीं कि इसका कोई पीरियड होगा कि भाई ये
पाँच साल करना है, कोशिश यही रहेगी कि जो भी आए और वो हर साल इस कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम जरूर करें बच्चों को। सर आफ्टर 12 के बाद जितने भी बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पर आई थी उनके लिए थोड़ी आवाज़ उठाइए, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में दलितों की बच्चे की रिजर्वेशन नहीं, तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए क्या? हाँ, ये नहीं हो पा रहा है सर समाज में। उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हमारी संस्था के माध्यम से हम ये कार्य भी करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को इस चीज़ में कोई रिजर्वेशन नहीं है कि बड़े बड़े कॉलेजों में जिनको मेरिट्स के हिसाब से उन्हें आगे घुसेड़ दिया जाता है, हमारे बच्चों को पीछे कर दिया जाता है। जामिया और अलीगढ़ तो बहुत अच्छा। आपकी संस्था जो बच्चे 70% से ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं और जो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं उनके लिए क्या काम कर रही है? आगे विचार किया जाएगा, आपकी बात सुन के अच्छा लगा जो आपने कहा है, क्योंकि आगे हमारी संस्था अपनी बहुजन समाज जो है वो सोशल वेलफेयर समाज है और वो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे गाँव कस्बे ऐसे हैं, क्या उसके लिए भी आपकी संस्था कुछ काम करेगी? हाँ, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि आगे उनको उन तक किताबें पहुँचाएँ, उनकी जो मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, ये हम सोच रहे हैं। राजकुमार जैसे जो कारोबारी हमारे बीच में आ गए हैं, ऐसे दो चार और आएंगे, हमारी संस्था अच्छे से अच्छा कार्य करते जाएगी। हम और हम सब मिलके जो ना काम करेंगे। हम और जितेंद्र चंद जी मिलकर एक आनंद पथ फाउंडेशन चलाते हैं जी, उसमें जो भारत सरकार ने जो नो डिटेंशन पॉलिसी लाई है, आनंद फाउंडेशन है वो बेसिकली क्या क्या काम करती है और आपसे जुड़ने के लिए बच्चे क्या करें वो भी बताइए। वो हमने दे रखा है, उसमें हमसे जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। उसमें क्या है कि भारत सरकार ने जो 10 साल पहले एक नो डिटेंशन पॉलिसी लाए थे उसमें 6ठी से 8वीं तक बच्चों को पास करने लग गए, बच्चे को कुछ आए ना आए उसमें पास करते जाते थे, और 9th में आके बच्चे जो हमारे दलित बच्चे होते थे या मतलब गरीब बच्चे कह लीजिए जिनको ट्यूशन नहीं ऊपर मिल पाती थी, वो 9वीं में आके फैक्ट्री में नौकरी करने लग जाते थे, मजदूर बन जाते थे, वो मजदूर बनाने की फैक्ट्रियां बन चुकी थी। तो हमने छोटा सा प्रयास शुरू किया दोनों भाइयों ने मिलकर कि उन बच्चों को 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को कोचिंग सेंटर मैथ साइंस और इंग्लिश की मुहैया कराएंगे, उसके लिए हमने कोशिशें शुरू कर दी हैं और लोगों से भी उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम एक रास्ता दिखा रहे हैं, बाकी लोग भी दो दो चार चार खोलें और इस तरह से सिलसिला काफिला बढ़ता है। थैंक यू सो मच वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।